मजबूरी हो, हमारी मजबूरी हो। मुरादाबाद में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने 60 सालों से चल रही सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं को दुकानें आवंटित कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और DRM के माध्यम से रेल मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। रेल मंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि थाना सिविल लाइन इलाके के कपूर कंपनी पर शहर के गरीब लोग पिछले 60 सालों से अपनी सब्जी की दुकानें चला रहे थे, अब रेलवे द्वारा इन दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। उनकी मांग है कि 60 सालों से सब्जी मंडी में दुकान चला रहे दुकानदारों को जगह आवंटित की जाए, साथ ही जब तक इन दुकानदारों को जगह आवंटित नहीं हो तब तक इनकी दुकानें ना तोड़ी जाएं। देखिए, आज लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के बैनर तले ये जो प्रदर्शन है, एक ज्ञापन रेल मंत्री को भेजा जाएगा DRM के द्वारा। समस्या ये है कि यहाँ कपूर कंपनी पुल के पास पुरानी सैकड़ों वर्ष पुरानी सब्जी मंडी है, यहाँ फल भी बिकते हैं, यहाँ मछली भी बिकती हैं, सैकड़ों वर्ष पुरानी है, इनके कई पीढ़ियाँ यहाँ ये कारोबार करते हुए बीत गए। अभी एक रेल प्रशासन मुरादाबाद के द्वारा एक नोटिस चस्पा किया गया है और इनको एक चेतावनी दी गई है कि ये अपना यहाँ से सामान हटा लें, वरना बुलडोजर चलाकर इनको तोड़वा दिया जाएगा, इनका हटवा दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ़ है, हमारा कहना ये है कि ये सैकड़ों वर्षों से ये यहाँ रोजगार अब कर रहे हैं, रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं, परिवारों को पालन पोषण कर रहे हैं, इनके पास कोई रोजगार का दूसरा साधन नहीं है जिससे अपने परिवार को का पालन पोषण कर सकें। हम ये चाहते हैं कि ये सैकड़ों साल पुरानी मंडी है और जिस जिसके जहाँ जहाँ कब्जे हैं, TA हैं, उनको वो TA आवंटित किए जाएँ, जैसे और दुकानें आवंटित की गई हैं, इन गरीबों को भी आवंटित की जाएँ, और जब तक कोई आवंटन नहीं होता है तब तक इनको वहाँ से बेदखल न किया जाए, और यदि किसी भी मजबूरी में बेदखल किया भी जाता है तो वहाँ आसपास धनाढ्य लोगों की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप हैं, उनको भी समानता के अधिकार पर हटाया जाए, वरना इनकी TO से कोई भी छेड़खानी नहीं की जाए।